हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अपना होम टूर। सो लेट्स स्टार्ट। कम, वेयर इज आवर लिफ्ट? ठीक है, हमारा जो फ्लोर है वो 11 है। ठीक है, 11वें फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से प्रेस करते हैं, हम रूम पर आ जाते हैं। और लिफ्ट के बाद फिर हम आते हैं ऐसे, और इसके बाद ये है हमारे हमसाए। क्योंकि कल न्यू ईयर चल रहा है, तो न्यू ईयर पे अपने डोर्स को डेकोरेट करते हैं, जैसे कि ये लगाते हैं, जैसे शिनियन खोला और रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन लाइक दिस। और ये है हमारा अपार्टमेंट 1102। ओके, सो कम ऑन। सो एंटर होने के बाद पहले बाहर निकालते हैं अपने शूज। ओके, यहाँ पे बाहर वाले शूज इधर और घर वाले शूज यहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं वाइप्स, अपने हाथों को स्टरलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने हाथ क्लीन करके फिर हम एंटर होते हैं। तो फर्स्ट टॉप वॉल में आपको दिखाऊंगी अपना डाइनिंग एरिया। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, हम दो बंदे हैं तो इसी वजह से दो भी चेयर्स हम डाइनिंग एरिया में रखी हुई हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं और डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और फिर हम चले जाते हैं हमारा वाटर डिस्पेंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कि कुछ खाने के लिए जो स्नैक्स जैसे कि चीज़ें हैं, चने वगैरह हैं और ये योगर्ट है, दही है और नूडल्स वगैरह और क्रैकर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और हाँ, ये जो है ये टी है, यहाँ पे मिल्क टी यहाँ पे मिलती है, इंस्टेंट मिल्क टी इसको कहते हैं। तो रैप हुआ हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ओपन करते हैं और यहाँ से ओपन करके गर्म पानी डालते हैं और इसको थोड़ी देर रखते हैं और फिर पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ये है हमारा फ्रीज़र। तो फ्रीज़र नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको दिखाऊंगी कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं फ्रीज़र के अंदर। उसके बाद जी ये यहाँ पे हमारा जाता है किचन, ये हमारा है वॉशरूम और यहाँ पे हमारे शूज़ हैं, ये हमारा शू रैक है और सॉक्स हैं। डेली की एक सॉक्स जो हैं वो नासी चेंज करते हैं, तो मुझे बहुत सारी सॉक्स जो है वो इकट्ठी रखनी पड़ती है। तो ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा मेन बेडरूम एरिया है। मेन बेडरूम के बाद ये हमारा है जी टीवी एरिया, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं डेली, टीवी देखते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और फिर ये है हमारा गेस्ट बेडरूम, बेडरूम टू, जहाँ पे अगर कोई हमारे गेस्ट आ जाए तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं। ओके, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू आवर टीवी एरिया, वी विल गो टू आवर किचन, लेट्स गो हैव अ लुक। तो ये हमारा किचन है, जहाँ पे मैं फूड खान की रेसिपीज भी डालती हूँ। सो यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले तो जी है कि ये मेरे ओवन्स हैं, ये बेकिंग ओवन है, ये माइक्रोवेव ओवन है और ये स्टीम एग बॉइल करने वाला स्टीमर है और ये मेरा आटा गूंदने वाली मशीन है। तो अगर आपको जानना है कि ये मशीन कैसे आटा गूंदती है तो क्या मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, ऊपर क्लिक करें और वीडियोस चेक कर लें कैसी आटा गूंदती है। ओके, नेक्स्ट जी यहाँ पे मैंने जो है वो बिस्किट्स, कुकीज वगैरह रखी हुई हैं और मतलब कि बहुत बिखरा हुआ सामान है, मैंने रैंडमली आपको दिखाया है। मतलब कि ये मेरे सॉसेजेस हैं जिससे मैं चाइनीज डिश बनाती हूँ। तो अभी फूड विद खान पे तो मेरी कोई चाइनीज डिश नहीं है, इंशाल्लाह फर्दर मैं बनाऊँगी चाइनीज फूड, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये है जी मेरा स्टोव, शुक्र है कि यहाँ पे हमारे पास गैस अवेलेबल है। पहले जहाँ हम रहते थे वो एक डॉर्म थी जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, तो वहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे गैस अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी। सो ये पोर्शन जो है मेरा चाय का पोर्शन है, मतलब कि सारी चाय की चीज़ें इधर हैं। मतलब और मैंने अभी स्टैंड जो है
जो बर्तनों का है वो ऑर्डर किया हुआ है, न्यू ईयर की वजह से वो बीच में स्टक हो गया था जिसकी वजह से वो आ नहीं सका, तो मुझे बर्तन कहीं पे ऑर्गेनाइज करने थे, वॉश करने के बाद रखने थे मतलब, तो फिर मैंने ये जो है टब इसको यूज़ कर लिया मैंने, और मैंने बर्तन वगैरह धोने वगैरह के लिए, और ये मेरे स्पून और चॉपस्टिक्स वगैरह हैं। सो ये जो है ये है गीजर, तो पानी जो है वो सारे घर में गर्म आता है इससे, तो ये ऑन होता है और आप टेम्परेचर जो है अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। और ये मेरा डिश वॉशिंग एरिया है, फिर उसके बाद ये मेरे क्लोजेट हैं सारे, जिसमें मैंने अपना जो है स्टोरेज वगैरह वो रखी हुई है सारी, और इस इन स्टोरेज में मेरे मसाले टाइप हैं जैसे कि पाकिस्तानी चाइनीज और सारी। ये जो पोर्शन है ये हमारा है लॉन्ड्री एरिया जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, जैसे कि हम ऐसे मैं इधर जाती हूँ और यहाँ पे ये मशीन अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये मशीन अवेलेबल है, यहाँ पे 6 kg की अमाउंट तक हम लोग जो हैं कपड़े धो सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है, मैं जस्ट इसको ओपन करती हूँ और अपना जो पाउडर है डिटर्जेंट वो इसमें डालती हूँ, इसको ओपन कर देती हूँ, ये चल जाता है, इसको बंद कर देती हूँ और फिर ये खुद ही ऑटोमेटिक ड्राई करके कपड़े हमें देता है। तो ये हमारा लॉन्ड्री व्यू है बाहर का हमारा लॉन्ड्री एरिया से, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत। तो मेन व्यू जो है वो हमारी बालकनी से है, तो आई मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो किचन के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वॉशरूम एरिया की तरफ। तो हमने क्या किया, वॉशरूम के स्लीपर्स जो हैं वो हमारे सेपरेट हैं, हम लोग ने वॉशरूम जाना है तो हम पहले स्लीपर चेंज करेंगे फिर हम जाएंगे अपने वॉशरूम। तो ये है हमारा वॉशरूम, यू कैन सी यहाँ पे ये है कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ से मैं ऑन करती हूँ ये गर्म हवा आपको देता है, जैसे कि हीट हीट देता है आपको, जैसे सर्दियों में अगर आप बहुत ठंड है आपको नहाया नहीं जा रहा तो आप इसको ऑन कर लें तो ये गर्म हवा देगा और आप नहाए जो है वॉशरूम वो गर्म हो जाएगा। सो उसके बाद ये हमारी है वैनिटी, तो वैनिटी में क्या है कि ये कि हमारा सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल वैनिटी खोलने के बाद मैं आपको ये दिखा दूँ, ये पोर्शन मेरा है, ये नासिर का है, और फिर उसके बाद ये परफ्यूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो मैंने एडजस्ट की हुई हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये स्टैंड जो है टॉवल्स के लिए कपड़ों के लिए, मैं एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो गया कि वॉशरूम के इस साइड पे बिल्कुल लॉन्ड्री एरिया है, तो अगर आप वॉशरूम में हैं तो आप इसको ओपन करके लॉन्ड्री में आप कपड़े जो हैं बकेट में वो डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जैसे कि देखें कि मैं बाहर आ रही हूँ तो शूज मेरे गीले हैं, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर आप नंगे पाँव भी हैं तो आप यहाँ पे पाँव रखेंगे तो ये जो मैट है ये ड्राई कर देगा, ठीक है, मतलब ये पाँव मैंने रखे हैं इसको मैं करती हूँ तो ये वो ड्राई कर रहा है, देखें मतलब। वॉशरूम के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन बेडरूम की तरफ, तो आई मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। सो ये है हमारा बेडरूम, तो मैंने ये लाइट्स जो हैं हम अपने कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं लाइट्स का, जैसे ये देखें कोई भी आप थीम के हिसाब से सेट करें कर सकते हैं अपनी लाइट्स का। और मैंने ये अपने बेड का जो थीम जो है वो वाइट एंड ब्राउन ब्राउनिश कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएँ तो ये जो है हमारा स्टडी एरिया है जहाँ पे हम बैठ के स्टडी करते हैं मैं नासिर, और यहाँ पे और यहाँ हमने प्रिंटर रखा हुआ है अपने लिए। और नेक्स्ट जो है ये प्यारा सा लैम्प है जो हमारे फ्रेंड्स ने हमें हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। यहाँ पे है हमारे पास बालकनी जहाँ हम बैठ के चाय वगैरह पीते हैं या वैसे भी गपशप करते हैं, यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठ के और आप ऐसे बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ही मज़े का व्यू यहाँ पे है, हम देख सकते हैं लोगों को बैठते हैं कि धूप यहाँ पे बहुत अच्छी आती है, धूप लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं गपशप करते हैं। उसके बाद तो यहाँ पहले मैं आप बाहर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा कवर्ड है जहाँ पे हम लोग अपने सारे कपड़े रखते हैं, बहुत ही स्टोरेज है अच्छी, और वो हमारे बैग हैं जहाँ हमें जाना हो ट्रैवलिंग करनी हो तो हम जो बैग्स हैं वो लेके जाते हैं। और ये हमारा है वाइट बोर्ड जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ भी, जैसे कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या
whatever, जो हमें नोट वगैरह लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें रिमेम्बर है क्या है, क्योंकि मेन बेडरूम है. और नेक्स्ट ये हमारी वेट मशीन है. हम लोग दी वेट को बहुत ख्याल रखते हैं वेट का, तो हमें वेट करना डेली हम चेक करते हैं. ओके नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेडरूम टू में. तो कम ऑन, बेसिकली हम लोगों ने इसको स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा सामान बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारा बेडरूम है, नेक्स्ट बेडरूम टू. और ये जो एरिया है ये हमारे कोट्स वगैरह सारे हैंगे इसके ऊपर. जो कबर्ड्स हैं ये पहले से ही अवेलेबल थी इस घर में पुराने स्टाइल की, तो हमने ज़्यादा बॉदर नहीं किया क्योंकि हमने इसको स्टोरेज एरिया ही बनाना था. और नेक्स्ट ये इसका है साइड टेबल, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें बैग्स वगैरह जो हैं उसको किए हैं. एक बात ये है कि यहाँ पे हर रूम के अंदर यहाँ पे विंडो होती है जहाँ से धूप आती है डायरेक्ट आपके बेड की तरफ, सो इधर से भी आप बाहर का व्यू इंजॉय कर सकते हैं. और नेक्स्ट चलते हैं हम मेन बेडरूम के बाद हम चलते हैं अपने टीवी एरिया में. तो आ जाए मैं आपको अपना टीवी एरिया दिखाती हूँ बेडरूम में. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ टीवी एरिया जहाँ पे हम बैठ के टीवी देखते हैं, टीवी लाउंज. और ये हमारा है एलईडी. और यहाँ पे मैं ये नासिर की बर्थडे थी तो मैंने डेकोरेट किया हुआ था ये सारा कुछ पहले से ही, तो ये इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है. और ये हमारी जो है फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे, ये हमारी चाइनीज़ ड्रेस में फ़ोटोज़ हैं मेरी और नासिर की जो आप देख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लगाई हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये क्या कहते हैं इसको, हीटिंग सिस्टम कहते हैं यहाँ पे, लाइक हीटर जो आपके एरिया को गर्म करता है, टीवी एरिया को गर्म करता है. तो यहाँ पे बेसिकली बेजिंग में ऑलरेडी अवेलेबल थे, फिट होते थे घरों के अंदर, लेकिन यहाँ पे कफ़े में, कफ़े सिटी में ये अवेलेबल नहीं होते हीटिंग सिस्टम यहाँ पे, तो हमें ये परचेज करना पड़ा यहाँ पे रखने के लिए. और नेक्स्ट जी ये हमारा है रोबोट, छोटा सा मिनी सा रोबोट जिसको हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हम बिज़ी हैं नहीं सफाई कर सकते, तो आप जस्ट इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये सफाई करने लग जाएगा. ओके अभी इसकी बैटरी लो है, मैं आपको फिर कभी इसको दिखाऊंगी. ओके नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये मेरा टीवी एरिया है जहाँ पे हमारे गेस्ट मैं नासिर हम लोग बैठते हैं, मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठ के इंजॉय करते हैं. जैसे कि हमने ऑर्डर किया ये छोटी सी क्या कहते हैं छोटा सा ये मशीन है जिसको हम यहाँ से ऑन करते हैं तो ये चल पड़ता है. इससे कप रखने से आपका जो पानी है वो गर्म रहता है, हम गर्म पानी पी सकते हैं, कप को गर्म रखता है. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं, मूवी देखते हैं, लेट भी सकते हैं यहाँ पे हम लोग. और उसके बाद ये जो एरिया है ये नासिर की फेवरेट चेयर है. नासिर यहाँ पे बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और बाइक का व्यू इंजॉय करते हैं. तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाइक का व्यू. लाइट तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इंस्टॉल्ड है घर के अंदर. ज़्यादा लाइट नहीं होती, जस्ट एक लाइट है. इसके आप कलर्स चेंज कर सकते हो, जैसे पहले मैंने आपको रूम में दिखाया वैसे ही. जैसे कि ये लाइट है इसको मैं डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकती हूँ, थीम्स अपना सेट करके इस तरह से. तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे घरों के अंदर. और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ बाइक का व्यू, बहुत ही मज़े का आपके टीवी एरिया से. सो ये है जी बाइक का व्यू. कम ऑन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे फ्रेश जो है पुदीना लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे जो है वो स्कैलियन लगाया हुआ है और गार्लिक लगाया हुआ है. ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कि फ्रेश बंदा सैलड में यूज़ कर सके. और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू बहुत ही मज़े का है. हमारी बालकनी से अभी हम बैठे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है बालकनी से हमारा. आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, लोग रह रहे हैं अपने घरों के अंदर और नीचे लोग जो हैं वो देखें कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं. तो और मतलब कि कल अभी स्नो हुई थी
और आप इधर देख सकते हैं, इस सामने वो बस स्टॉप है जहाँ से बस जो है आपकी बिल्कुल कम्युनिटी के बाहर से आप बाहर जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे पार्किंग एरिया है और नीचे वो देखें इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी हैं, उनको चार्जिंग का सिस्टम जो है उन्होंने कम्युनिटी वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है कि जैसे आप चार्ज कर सकते हैं पे करके। और कल यहाँ पे थी, परसों यहाँ पे थी स्नो, बहुत ही अच्छी स्नो। तो स्नो के लिए मैं आपको जो है वो भी वीडियो यहाँ ये है जो लेक हमारे बिल्कुल घर के पास है, यहाँ से शुरू होती है सारी और ये बिल्कुल आगे तक जाती है। और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ आप देख सकते हैं कि लेक का व्यू कैसा है वहाँ उधर जाके। तो मैं एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे जो है कपड़े जो है यहाँ भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं ऐसे नीचे करूँगी तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैं इसको नीचे करती हूँ, यहाँ पे मैं अपने हैंग जो है कपड़े वगैरह वो हैंग करती हूँ, इसको दोबारा ऊपर कर देती हूँ और ये ऊपर चला जाता है दोबारा से। चले नेक्स्ट अंदर आ जाते हैं हम इसके बाद। ओके, ये था हमारे घर का व्यू, होपफुली आपको पसंद आया होगा हमारा घर कैसा है और हम यहाँ पे कैसे रहते हैं घर में। और ये मैंने जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं ठीक है या नहीं आप सजेशन दें मुझे कमेंट बॉक्स में कि मुझे किस तरह से और ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए इसको और क्या क्या चीज़ें मुझे और जो है वोटिंग एरिया में बेडरूम में जहाँ भी है पुट करनी चाहिए। और थैंक यू सो मच, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।